So hello guys, City Trust here. Welcome back to my new video. So in this video, मैं आपको बताने जा रहा हूँ PUBG Mobile 2.0 का new version है, उसको कैसे update करना है. So guys, ये version officially Play Store में launch हो चुका है. So guys, आप इसको पहले तो officially Play Store में जाके easily update कर सकते हैं. So guys, मेरा तो ये update Play Store में आ गया था, तो guys मैंने इसको Play Store में से update कर लिया. लेकिन guys, आप में से कितने लोग होंगे जिसको ये Play Store में update नहीं आया है. तो guys, आपको इस problem का टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है guys, क्योंकि guys मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस problem का solution. हाँ guys, सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सबसे पहले PUBG Mobile ऐप को ओपन कर लेना है guys. PUBG Mobile ऐप को ओपन करते ही आपको उधर सेट स्टोरेज एंड कैचे वाला ऑप्शन मिल जाएगा गाइज. तो स्टोरेज एंड कैचे में आपको क्लिक कर लेना है गाइज. और अगर स्टोरेज एंड कैचे में क्लिक करते ही आपको उधर क्लियर कैचे का ऑप्शन दिख जाएगा. आपको PUBG Mobile ऐप का कैचे क्लियर कर देना है गाइज. और गाइज, कैचे क्लियर करने के बाद आपको उसका पूरा क्लियर स्टोरेज कर देना है गाइज. गाइज, कैचे और स्टोरेज क्लियर करने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाके अपडेट देखना है गाइज. अगर आपको तब भी अपडेट नहीं मिले तो गाइज, आपको PUBG Mobile ऐप को पूरा अनइंस्टॉल कर देना है गाइज. अनइंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से प्ले स्टोर में जाके PUBG को इंस्टॉल कर लेना है गाइज. और इंस्टॉल करने के पहले आपको वो 3 डॉट होता है, उधर क्लिक में उधर इनेबल बटन को क्लिक कर देना है गाइज. ऐसा होने के बाद आपको अपडेट ज़रूर मिल जाएगा. तो गाइज, आपका PUBG Mobile 2.2 वर्जन में अपडेट होने के बाद आपको PUBG Mobile ओपन कर लेना है गाइज. और ओपन करते ही आपको ये सोर्स पैक डाउनलोड करना पड़ेगा गाइज. सोर्स पैक है 227.5 MB का. तो गाइज, ये डाउनलोड होते ही आपका लिविक मैप में सारे फीचर्स, न्यू फीचर्स और इनेबल हो जाएंगे. तो गाइज, ये रिसोर्स पैक डाउनलोड होने के बाद आपको फेसबुक में लॉगिन कर लेना है गाइज. फेसबुक में लॉगिन होने के बाद आपके लिए न्यू अपडेट आ जाएगा गाइज.